हेलो गाइस, फिर एक बार से आप पाइप फिटर जंक्शन में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंड रेडियस के बारे में। आपने 90 के एल्बो देखा होगा, 45 पे देखा होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, बहुत सारे एल्बो आप देखे होंगे, सॉकेट या थ्रेडेड, बहुत सारे एल्बो। लेकिन आपने कभी बैंड रेडियस देखा है? जी हाँ, बैंड रेडियस एक ऐसा एल्बो है कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत कम देखने को मिलता है, और इसमें बहुत सारे फिटर्स को भी मालूम नहीं होता है उसका एल्बो सेटर निकालते कैसे हैं, क्या फॉर्मूला होता है, और ये कहीं कहीं पे इंटरव्यू में भी इसका क्वेश्चन कर दिया जाता है। बहुत सारे फिटर्स होते हैं इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि मालूम नहीं है बैंड रेडियस होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। जी हाँ, बात करूँ बैंड रेडियस एल्बो, उसका फॉर्मूला क्या है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ निकाल कर, जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। धन्यवाद, चलते हैं फिर। जैसे इतना आ गया, इसमें हम इंटू 4D, अब आप बता रहे होंगे कि 4D है क्या, तो जब हम ड्राइंग जब लेंगे बैंड रेडियस का, उस आइसो में जब दिखाएगा हमारा जैसे बैंड रेडियस, वहाँ पे लिखा रहेगा 3D, 4D, 5D, जितना D में होगा उतना D से हम इसमें गुना करेंगे। तो जैसे मैं 4D दिया है तो मैं 4D से गुना कर लिया इतना में, तो बराबर आ जाएगा कितना आपका 610 mm, यानी आपका यहाँ से और इसका जो मध्य सेंटर है वो 610 mm होगा। तो हमारा निकल गया 6 इंच का बैंड रेडियस का एल्बो सेंटर, और मैं आपको 8 इंच का भी निकाल के दिखा रहा हूँ। 8 × 25.4 ये फॉर्मूला है भाइयों, याद करने का चीज़ है। बराबर आ जाएगा आपका 203.4। फिर इसमें हम जैसे 4D पहले में निकाला, अब हम 5D का निकालेंगे। 5D फॉर्मूला है, चौंकने की बात नहीं है इसमें। बराबर आ जाएगा हमारा 1016 mm, यानी 1 मीटर 16 mm। जैसे ये अगर भाई देवे 8 इंची का हो गया तो 1 मीटर 16 mm आपका यहाँ कटेगा, 6 इंच का रहेगा तो ये आपका कट जाएगा कितना 610 mm। तो ये है दोस्तों हमारा बैंड रेडियस का फॉर्मूला। दोस्तों, ये हमारा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।